गाइस वेलकम बैक टू फनवो गेमिंग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए और कॉन्करर रैंक पुश प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यू मेटा आ चुका है अपना BGMI में और पबजी मोबाइल में ड्यू टू द अपडेट, जो अपना जो 1.5 का अपडेट आया है 1.5.0, उसके वजह से भाई एक नया मेटा डेवलप हो चुका है जो कि भाई पूरा गेम चेंजिंग मेटा रहने वाला है। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो भाई आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहोगे और भाई आप बोलते हो आप पीछे छुट जाओगे। भाई आपको ये न्यू मेटा सीखना पड़ेगा और बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि टॉप जो भी हाई लेवल पे टीम्स बैठी सी ऑलरेडी इस चीज़ पे ग्राइंड करना उन्होंने चालू कर दिया है। सो मेक श्योर आप भी कर दो, क्योंकि ये मेटा आपको पता तो होगा पर आप इसको प्रॉपर तरीके से देख रहे नहीं होगे। मैंने जैसे ही आज अपडेट किया गेम, मैं ये मेटा लाइक सबसे पहले मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया। भाई मेरे को ये मेटा चेकआउट करना था और भाई नेक्स्ट लेवल का मेटा है। क्लोज रेंज तो भाई इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, जो जो ये मेटा मास्टर कर लेगा भाई उसको क्लोज रेंज में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। भाई अलग ही लेवल का मेटा है ये, आपको हैकर टाइप बनना देता है। इतनी सॉफ्ट हो चुकी है मूवमेंट, अभी पूछो मत आप, फास्ट हो चुकी है मूवमेंट, सॉफ्ट हो चुकी है, टच रिस्पॉन्सेस फास्ट हो चुके हैं। लाइक गेम बोल सकते हैं अपन अलग ही लेवल पे ऑप्टिमाइज हो चुका है। आप देख सकते हो भाई कितनी फास्ट हो गई है मेरी मूवमेंट, इट्स लाइक भाई अलग ही फील ही अलग आ रही है भाई गेम चलाने में। अगर आप लोग ने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो बता दूं, मैंने आज सुबह ही वीडियो डाली थी कैसा अपडेट करना है बोल के, तो वो वीडियो चेकआउट कर लो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपन वीडियो पे आते हो वापस से। तो देखो ये वाला मेटा में मेन क्या, आपका क्राउचिंग स्पीड, प्लेयर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। और इन्होंने ये बार बस क्राउचिंग स्पीड इंप्रूव नहीं की है, इन्होंने क्राउच करने का तरीके को भी थोड़ा सा बदल दिया है। अपन जब पहले क्राउच करते थे वो टाइम अपना क्रॉसलर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हिल जाता था, ये बार भी हिलता है पर उतना नहीं हिलता है और भाई अलग ही लेवल पे स्पीड हो चुकी है क्राउच की। तो अगर आप क्राउच प्लस जिगल मास्टर कर लोगे तो भाई आप अलग ही लेवल पे डोमिनेशन दिखा दो 1v1 में। भाई क्लोज रेंज में आपको हराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको बस क्राउच प्लस जिगल को मास्टर करना है। फिलहाल मैं इसको तो मास्टर किया नहीं, पर मैं बहुत जल्दी ड्रिल्स ला दूंगा कि इस चीज़ को आप कैसे मास्टर कर सकते हो। आपको तो पता है अरीना लाइक अपना ट्रेनिंग ग्राउंड इज द प्लेस टू मास्टर एवरीथिंग। यहाँ पे अपन को आपको लाइक कर लो आपका क्राउच बटन, आपको बहुत ज़्यादा टैप करना पड़ेगा आपके क्राउच बटन को। मेरे कंट्रोल्स थोड़े हिल चुके थे दूसरी आईडी लॉगिन करने की वजह से, तो मेरा उतना प्रॉपर आ नहीं रहा है। पर भाई जो अलग ही लेवल का हिप फायर इंप्रूव होगा अभी अपना क्राउच प्लस शूट की वजह से, भाई अलग ही लेवल पे जाने वाला है हर चीज़। इट्स गोइंग क्या ही बोलूँ भाई, लीग ही अलग पकड़ लेगी अभी अपनी कॉम्पिटेटिव सिनेरियो। ये चीज़ को अगर आप मास्टर करोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये एम था कि आप लोग को पता चल जाए कि न्यू मेटा आ चुका है गेम के अंदर और आप लोग अपडेटेड रहो। इसके ऊपर ड्रिल्स बहुत जल्दी ला दूंगा मैं, और जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं कि मैंने एक लाइक वीडियो बनाई है, मैं सीरीज चालू कर रहा हूं एक्चुअली एक वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जहां पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दूंगा स्टार्टिंग विद द BGMI कॉम्पिटेटिव सिनेरियो। मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने नोट आउट किया है कि भाई 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हर दूसरी कॉम्पिटेटिव टीम करती है, तो एक बार वो वीडियो चेकआउट कर देना, आपको फॉर श्योर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वापस से वीडियो में अपन देखते हैं कुछ मेरा पॉइंट अगर मिस आउट हो चुका है तो। हाँ, आपको क्राउच करना है पर स्टार्टिंग में देखो आपका एम बिगड़ जाएगा। मैंने भी जब सीखा था मेरा भी स्टार्टिंग में एम लाइक अभी स्टार्ट ही है मेरा, भाई एम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है मेरा बिकॉज ऑफ क्राउच शूट। पर आपको इसको मास्टर करना है। मेक श्योर भाई आप 2 दिन बस TDM और अरीना ट्रेनिंग में ही रहो, TDM अपना क्या बोलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ही रहो भाई, 2-3 दिन लगाओ इसको मास्टर कर लो भाई, फिर देखना भाई 1v1 आपके कोई फ्रेंड के साथ करना, अलग ही लेवल का आपका डोमिनेशन रहेगा। छोटी सी वीडियो बनानी थी बस आपको, दिखाना था कि भाई न्यू मेटा आ चुका है, बहुत जल्द इस पर वीडियो लूंगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए।